नमस्ते, मैं हूँ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में आज से 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी आज रात 8 बजे से 1 मई तक पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। इस पाबंदी को लागू करते वक्त उद्धव ने साफ किया कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन और सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने इसे ब्रेक द चेन मुहिम का नाम दिया है। उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी काम नहीं हो तो घर से ना निकले। रोजी रोटी महत्वाची आहेच, त्याही बद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजी रोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। जीव वाचलं तर सगळं काही आहे, आणि जीव वाचवणं हाच आता समोरचा महत्वाचा मुद्दा आहे। आणि तो वाचवण्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो आहे की आजपर्यंत जी काही निर्बंध आपण टाकलेले होते त्या निर्बंधात आता आपण अधिक वाढ करतो आहोत। कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत जिन सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी उनमें स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं, अनाज सब्जी फल की दुकानें, डेयरी बेकरी की दुकानें, ट्रेन टैक्सी ऑटो बस, बैंकों की सेवाएं यानी बैंकों से जुड़े सभी तरह के काम, पेट्रोल पंप और ई कॉमर्स सेवा, रेस्टोरेंट से खाना सिर्फ मंगा सकेंगे और मीडिया कर्मियों को काम की इजाजत है। जबकि 15 दिनों के इस कर्फ्यू के समय कई सेवाओं पर पाबंदी भी रहेगी, जिनमें बेवजह घर से निकलना, सिनेमा हॉल थिएटर, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे, क्लब स्विमिंग पूल जिम ये भी बंद रहेंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी नहीं खुलेंगे, फिल्मों एड सीरियल की शूटिंग नहीं हो पाएगी, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यही नहीं, महाराष्ट्र में 15 दिनों तक लगाए गए कर्फ्यू में जरूरतमंदों की मदद के लिए भी सीएम उद्धव ने कई ऐलान किए। उन्होंने जरूरतमंदों के लिए 1 महीने तक शिव भोजन थाली मुफ्त देने का ऐलान किया है। अब तक ये शिव भोजन थाली 10 रुपए की आती है। इसके साथ ही 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपए की मदद का ऐलान किया है। अधिकृत फेरी वालों को भी 1500 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। यही नहीं, परमिट धारक रिक्शा चालकों को 1500 रुपए और रजिस्टर्ड आदिवासी परिवारों को प्रति परिवार 2000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच वहां काम करने वाले कई मजदूरों ने अपने गांवों को लौटना शुरू कर दिया। मुंबई में हर दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां काम करने वाले दूसरे राज्यों के कई मजदूरों ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर अपने गांवों को लौटने की आस में सैकड़ों मजदूर पहुंचे, लेकिन टिकट न होने की वजह से कई लोगों को मायूस होना पड़ा। किसी के पास टिकट नहीं है, इसी उम्मीद में आए हैं कि किसी तरीके से वे बॉम्बे से बाहर जाएं। रेलवे स्टेशन के बाहर लंबी कतारों से सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर लदे हुए नजर आए। मुंबई में जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है उसके बीच ये तस्वीरें डराने वाली है। स्टेशन पर पहुंचे ज्यादातर मजदूरों ने काम धंधा बंद होने को अपने लौटने की वजह बताया। लॉकडाउन तो लगा नहीं तो काम पूरा बंद हो गया। काम पूरा बंद हो गया सर। मुंबई की तरह दिल्ली से भी मजदूरों ने अपने गांवों को लौटना शुरू कर दिया। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से सामने आई तस्वीरों में कई मजदूर अपना सामान लेकर जाते नजर आए। हालांकि दिल्ली में गांवों को लौटने वाले मजदूरों की वैसी भीड़ नजर नहीं आई जैसी मुंबई में दिखी। इसलिए रेलवे ने इस महीने के आखिर तक कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा भी की। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि मध्य रेलवे ने अप्रैल महीने के आखिर तक 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया और जरूरत पड़ने पर ज्यादा ट्रेनें मुहैया करवाने का भरोसा दिया। साथ ही रेलवे ने लोगों ने संयम बरतने की अपील भी रेलवे ने की है और साफ किया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की संभावनाओं के बीच ट्रेनें बंद नहीं होंगी। बताया गया कि महाराष्ट्र से जितनी भी ट्रेनें उत्तर भारत के लिए चल रही हैं वो 100% क्षमता के साथ चल रही हैं। ट्रेन ही नहीं बल्कि बसों से भी लोग अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आई। हालांकि राज्य सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाने की बात कही, लेकिन बाकी कई राज्यों की तरह वहां भी नाइट कर्फ्यू लगा है।
जिसके बाद गुरुग्राम में दूसरे राज्यों से आए मजदूर घबरा गए और वो अपने गांव लौटने लगे। वहां से आई एक तस्वीर में एक बस अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी कड़ी धूप में खड़े होकर बस की टिकट मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए। कर्फ्यू लगे, उसके वजह से काम भी बंद हो गया है, तो हमारा कंपनी भी बोल दिया है जो अपना देख लो। कुछ लोगों में डर का ऐसा माहौल दिखा कि वो तो अपना पूरा सामान ही बांधकर बस अड्डे पहुंच गए। इस बीच प्रशासन ने लोगों को ना घबराने की सलाह दी। अभी कोई लॉकडाउन की ऐसे कोई स्थिति नहीं है, अभी नाइट कर्फ्यू ही सरकार ने लगाया है, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का। जो मजदूर गुरुग्राम से लौट रहे हैं उनमें ज्यादातर या तो यूपी के हैं या फिर बिहार के। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने एक व्यापारी के घर पर बम फेंके। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें कुछ लोग व्यापारी के घर के बाहर बम फेंकते नजर आए। कुछ देर तक बमबारी करने के बाद वो सभी 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां से चले गए। इस घटना में उस मकान के दरवाजे और खिड़कियों में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। चुनाव आयोग के 24 घंटे के बैन के विरोध में ममता बनर्जी ने 3 घंटे का धरना दिया। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी सुबह 11:30 बजे धरने के लिए पहुंच गई, और जहां वो धरने पर बैठी वहां ना तो टीएमसी का कोई बैनर दिखा, ना कोई झंडे दिखे, ना ही कार्यकर्ताओं की भीड़, ना ही चुनाव आयोग के विरोध में नारे वाले कोई पोस्टर और ना ही नारों का कोई शोर। यहां तक कि मीडिया के कैमरों को भी ममता बनर्जी से काफी दूर रोक दिया गया। यहां पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई है धरना स्थल पर। इनका समय यहां पर आने का था 12 बजे का, और यहां पर देखिए, लेकिन अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहां पर पहुंच गई हैं, अकेले ही वो धरने पर बैठेंगी। ममता बनर्जी ने आते ही अपने बैग से कुछ रंग निकालने शुरू किए और पेंटिंग बनाने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पेंटिंग मीडिया के कैमरों को दिखाई भी। करीब 3 घंटे के बाद अचानक ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर मीडिया कर्मियों को नमस्ते किया। ये ममता का धरना खत्म होने का इशारा था, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी उनकी व्हीलचेयर को रैंप के जरिए कार तक ले जाने लगे। सबको नमस्ते किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी यहां से निकल गई हैं। हालांकि बीजेपी को उनका ये धरना केवल सहानुभूति बटोरने का पैतरा भर ही लगा। अब सिंपति बटोरने से कोई चुनाव बच नहीं पाएगा। बंगाल की जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से 10 साल में पहचान चुकी है। कूच बिहार की घटना के बाद ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया था, उसी बयान पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए उनके प्रचार करने पर रोक लगाई थी। ज्वाला गुट्टा की शादी की तारीख तय हो गई। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा 22 अप्रैल को शादी करेंगी, इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। वो अभिनेता और निर्देशक विष्णु विशाल के साथ शादी करेंगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात पर चिंता जताने वाली योगी आदित्यनाथ के मंत्री की चिट्ठी पर घमासान मच गया। प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही का जिक्र किया था। मंत्री की चिट्ठी के सामने आते ही समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर हो गई। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हमने ही उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हालांकि उनमें इसके लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने और एहतियात बरतने की अपील की। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जांच के लिए बनाए गए सेंटर्स पर लोगों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। हालांकि हैरानी की बात तो ये रही कि वहां पर कोरोना नियमों का पालन सही तरीके से होता नहीं दिखा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज भी इन सेंटर्स पर नजर नहीं आई। लोगों के मन में इतना डर हो गया कि आप इस लाइन से साफ पता लगा सकते हैं कि लोग सामने से बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं और अपना टेस्ट करवा रहे हैं। बीएमसी की ओर से बनाए गए इन सेंटर्स पर जांच कराने पहुंचे लोगों ने बद इंतजामी का भी आरोप लगाया। 2 दिन से मैं परेशान हूं, अभी तक फॉर्म हाथ में नहीं है, आधार कार्ड मेरे हाथ में। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव सड़कों पर उतरे और कई इलाकों में जाकर वहां के हालात देखे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खान मार्केट, हौज खास, लाजपत नगर, कालकाजी और ग्रीन पार्क के इलाकों में गए और वहां तैनात पुलिस वालों से जानकारी ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दावा किया कि कुछ जगहों को छोड़कर सभी जगह नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है। उन्होंने लोगों से भी दिल्ली पुलिस का सहयोग करने की अपील की और कहा कि कोरोना से सभी मिलकर ही लड़ पाएंगे। रात के समय में कई सारे रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट हॉल, इस पे ये फॉलो नहीं हो रहा था,
तो नाइट कर्फ्यू इन्फोर्स हुआ है और उसको ठीक तरीके से इन्फोर्स हो, इसके लिए मैं देखने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसकी इन्फोर्समेंट अच्छी तरीके से है। हमारे ऑफिसर्स पिछले कई दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन भर की ड्यूटी के बाद रात में भी ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। यमन के मारिब में हूती विद्रोहियों और सेना के बीच जंग तेज हो गई है। मारिब यमन का एक अहम शहर है जिस पर कब्जे के लिए तीन मोर्चों पर मशीन गन और मिसाइलें दागी जा रही हैं। दो दिन पहले तो वहां इतनी लड़ाई हुई कि दोनों तरफ के 70 लोग मारे गए, लेकिन इसके बाद भी वहां गोलियों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। वहां से आई तस्वीरों में वर्चस्व की लड़ाई में ऐसे ताबड़तोड़ गोलियां और मिसाइलें दागी गईं कि वीरान इलाके में जहां सन्नाटा पसरा था वो भी बुरी तरह कांप उठा। यमन की सेना के जवान विद्रोहियों से लोहा लेने के लिए पूरे एक्शन में नजर आए। वो मीलों दूर खड़े हूती विद्रोहियों पर फायरिंग करते दिखे। बिहार के मोतिहारी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ कच्चे मकानों में भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की, जिसने देखते ही देखते आसपास के कुछ मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो वहां आग की ऐसी लपटें उठने लगी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक के बाद एक कई कच्चे मकान एक साथ धधकने लगे। हालात बेकाबू हुए तो गांव वालों ने मोर्चा संभाला और उन्होंने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जबकि कुछ लोग उन मकानों के पास रखे घास फूस को किनारे करते दिखे। इन लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी धधकते मकानों और उसके अंदर रखे सामान को बचाया नहीं जा सका, लेकिन काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाने में उन्हें कामयाबी मिल गई। इस हादसे में तीन मकान जलकर राख हो गए। मुंबई में उन इमारतों या फिर हाउसिंग सोसाइटी के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया जिनको वहां के नगर निगम बीएमसी ने सील कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोग इन इमारतों से बाहर ना निकले। ये सख्त कदम महामारी से निपटने के लिए उठाया गया, जिसके बाद उन बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटी को कुछ वक्त के लिए सील कर दिया गया जहां पर कोरोना के 5 से ज्यादा मरीज सामने आए। इस दौरान वहां रहने वाले लोग बाहर ना निकलें, इसके लिए वहां पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। 5 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जाते हैं तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बीएमसी ने सख्ती इतनी बढ़ा दी कि वहां रहने वाले लोगों को सामान खरीदने के लिए बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि जरूरी चीजों को खरीदने में पुलिस वाले उनकी मदद करेंगे। आज की तारीख में 800 से ज्यादा ऐसे सील बिल्डिंग्स हैं, ये सारे सील बिल्डिंग्स के बाहर पुलिस मदद दिया जा रहा है। ये पाबंदी उन इलाकों में तब तक जारी रहेगी जब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5 से कम न हो जाए। पीएम मोदी आज भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी बात अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता तक पहुंचाने के लिए खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च करेगी। इस चैनल को INC TV नाम दिया गया है। सुबह 11:30 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेता लॉन्च समारोह में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज चुनावी प्रचार करेंगी। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों तक चुनाव प्रचार से दूर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहली बार चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल उत्तरी दिनाजपुर और फिर दार्जिलिंग में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी के 3 अलग अलग इलाकों में चलाई जा रही अवैध हथियार फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करते हुए 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 शस्त्र फैक्ट्री, 47 तमंचे, बने अलग अलग बोर्स के कार्ट्रिज और बहुत सारे शस्त्र बनाने के इम्प्लीमेंट्स के साथ 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल की पाषाण देवी मंदिर का ताला तोड़कर चोर मंदिर का दान पात्र और कलश लेकर फरार हो गए। इस बीच चोर मंदिर में लगा CCTV भी उखाड़ ले गए। हालांकि इससे पहले ताला तोड़ते एक चोर की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मॉल में लगी भीषण आग में कई दुकानें जलकर राख हो गई। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें 2 मंजिला जयपुरिया मॉल की ऊपरी मंजिल भीषण आग में धधकने लगी। मॉल की दुकानों से अंगारे निकलने लगे। कुछ ही देर में आग इतनी भयानक हो गई कि पूरा इलाका आग की भट्टी की तरह तपने लगा और मॉल से निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैलना शुरू हो गया। लोगों को इस बात का भी डर सताने लगा कि कहीं ये लपटें पास की दुकानों और मकानों को ना अपनी चपेट में ले लें। लेकिन इससे पहले कि ये आग उस मॉल के बाकी हिस्सों पर कहर बरपाती, दमकल विभाग के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया।
फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटना वाली जगह पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। कुछ देर की मेहनत के बाद दमकल विभाग के लोगों ने आग बुझा दी। फायर सर्विस की टीम ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पूरी तरह से आग को फैलने से रोकते हुए बुझा दिया। बताया गया कि मॉल की जिस दुकान से आग भड़की थी उसमें भारी मात्रा में रैक्सीन रखी हुई थी। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ 13 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी कैदियों को जूनागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकारियों के मुताबिक वहां के मांगरोल इलाके की एक जेल में कैदियों की कोरोना जांच की जा रही थी। इसी बीच पता चला कि 13 कैदी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद पुलिस सुरक्षा में सभी कैदियों को जूनागढ़ के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ पुलिस वालों ने गेहूं के खेत से कुछ महिलाओं को जबरन हटा दिया। एक दिन पहले पुलिस की टीम सरकारी जमीन में उगाई गई गेहूं की फसल को कुर्क करने पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई का कुछ महिलाओं ने विरोध कर दिया जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ महिलाएं गेहूं के खेत में पुलिस वालों से उलझती हुई दिखाई दी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन पर सख्ती बरती। उन महिलाओं को पकड़कर खेत से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये बवाल कुछ देर तक इसी तरह चलता रहा। इसके बाद पुलिस वालों ने दो लड़कियों समेत 5 महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें लेकर थाने पहुंच गए। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने अपनी सफाई दी। केरोसिन की बोतलों को महिलाओं द्वारा डालने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में कार्रवाई पुलिस द्वारा जीवन को बचाने के लिए किया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन महिलाओं को छोड़ दिया गया जिन्हें हंगामा करते हुए खेत से हिरासत में लिया गया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स पर निशाना साधते हुए दावा किया कि कोरोना के हल्के लक्षण होने के बाद भी उन लोगों ने अस्पतालों में बेड पर कब्जा किया हुआ है। ये सिम्प्टोमेटिक है, तुम्हाला हॉस्पिटल मध्ये जायची गरज नाही, तरी मोठे सेलिब्रिटी ला बघा, मोठे खिलाडी जे आहेत क्रिकेटर चे त्यांना बघा, हे सगळे लोक जाऊन बेड ऑक्युपाय करतात, त्यांच्यामुळे जे गरजेचे 10% लोक ज्यांना खरोखर गरज आहे त्यांना बेड भेटत नाही। रेलवे ने दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनों के किराए बढ़ाने की तैयारी कर ली है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के कोच बदलकर जल्द ही इन ट्रेनों का किराया बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पुराने डिब्बों को हटाकर इन दोनों ट्रेनों के तेजस ट्रेन के कोच लगाए जाएंगे, जिस वजह से इन दोनों ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को 5% ज्यादा किराया चुकाना होगा। इसके अलावा डायनेमिक फेयर भी पहले की तरह लागू रहेगा, यानी कि ट्रेन में यात्रा के लिए जरूरत के हिसाब से किराए में होने वाले बदलाव का नियम बना रहेगा। इन 2 ट्रेनों के बाद रेलवे की बाकी राजधानी ट्रेनों में बदलाव की योजना है। गुजरात में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहां अहमदाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। यहां तक कि अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में भी अब मरीजों को रखने की जगह नहीं बची है। ऐसे में अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में ही मरीजों को रखा जा रहा है। वहां अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस खड़ी दिखाई पड़ी, जिनमें कोरोना के मरीज अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की मौत से अमेरिका का मिनेसोटा राज्य सुलग रहा है, उस गोलीकांड का वीडियो जारी कर दिया गया। 2 दिन पहले 20 साल का ये लड़का अपनी कार कहीं पर ले जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए रोका, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना गर्माया कि पुलिस ने गोली चला दी और ये पूरी घटना पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गई। जारी किए गए वीडियो में एक सफेद गाड़ी सड़क पर रुकी हुई नजर आई, पुलिस वाले उसकी तरफ बढ़ते दिखे, कुछ सवाल जवाब हुए और फिर 20 साल का डॉन्टे राइट गाड़ी से उतरता नजर आया। उसके कार से निकलते ही पुलिस सीधा उसे हथकड़ी पहनाने लगी। अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक ने विरोध जताया और फिर वो खुद को पुलिस के चंगुल से निकालकर भागने की कोशिश करने लगा। इस गर्मा गर्मी में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और फायर कर दिया। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि महिला पुलिसकर्मी असल में लड़के को टेजर गन मारना चाहती थी ताकि उसे बिजली का झटका लगे और वो पस्त हो जाए, लेकिन गफलत में उसने पिस्तौल चला दी। गोलीकांड के वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मी बार बार टेजर टेजर बोलते हुए सुनाई भी दी। गोली लगने के बाद अफ्रीकी मूल का लड़का वहां से गाड़ी भगाकर निकल तो गया, लेकिन आगे चलकर उसकी कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई और मौके पर ही उसकी जान चली गई। जिसके बाद अमेरिका में एक बार फिर किसी अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक के पुलिस की गोली का शिकार होने की खबर जंगल की आग की तरह फैली और मिनेसोटा में हिंसा भड़क गई। हालात इतने बिगड़ गए कि गवर्नर को कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा।
लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और इलाके में इतनी तोड़फोड़ हुई कि वहां दुकानों के शीशे चकनाचूर और सड़क पर सामान बिखरा नजर आया। हिंसा पर काबू पाने के लिए पूरा इलाका छावनी में बदल दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा दिखा, मगर तब भी प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए तो पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले और तेज रोशनी वाले हथगोले फेंकने शुरू कर दिए। कुछ प्रदर्शनकारी तो भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ ने गोले उठाकर वापस पुलिस की तरफ ही फेंक दिए। कुछ ने पुलिस पर पटाखे तक छोड़ दिए। इसके बाद तो बीच सड़क पर आसमान में आतिशबाजी होती नजर आई। लगातार दूसरे दिन वहां प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल ने CBSE बोर्ड की परीक्षाएं टालने की अपील। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस बार कोरोना की लहर काफी खतरनाक है, ऐसे में उन्होंने CBSE से बोर्ड की परीक्षाएं टालने की अपील की। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि CBSE के एग्जाम्स कैंसिल किए जाएं। कोरोना खतरे की वजह से नवरात्र के बावजूद देश भर में कई जगहों पर मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे गए। जो श्रद्धालु हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बंद पट के सामने ही हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के बीच सुशील चंद्रा ने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाल लिया। सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद उन्हें एक दिन पहले ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया था। सुशील चंद्रा भारतीय राजस्व सेवा के 1980 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक कांग्रेस पार्षद सही से मास्क लगाने के लिए टोकने पर हंगामा करने लगे। आरोप है कि कांग्रेस पार्षद असलम अंसारी को जब एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रोका और मास्क सही से लगाने को कहा तो वो आग बबूला हो गए। चालान काटे जाने पर कांग्रेस पार्षद ने दलील दी कि उन्होंने मास्क ठीक से लगा रखा था, लेकिन सांस ठीक से नहीं ले पाने की वजह से मास्क को थोड़ा नीचे किया। बस तभी महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ लिया और उनका चालान काट दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहाँ एक सत्संग कार्यक्रम के समय भक्तों ने संत कनीराम बापू के ऊपर नोटों की बारिश कर दी। बताया गया कि गुजरात से आए इन भक्तों ने 2 करोड़ से ज्यादा के नोट बरसा डाले, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए बोरियां मंगानी पड़ी। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मंच पर मौजूद कुछ लोग संत पंच निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर कनीराम बापू को घेरे खड़े दिखाई दिए। इन लोगों ने भजन की धुन के बीच कनीराम बापू के ऊपर नोटों की बारिश शुरू कर दी। नोट बरसाने का ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इस बीच कनीराम बापू भी झूमते नजर आए। नीचे मौजूद भक्तों ने भी नोटों की बरसात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरफ बस हवा में उड़ते नोट ही नोट नजर आने लगे। कुछ ही देर में पूरा मंच नोटों से भर गया। बताया गया कि इस बीच भक्तों ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट बरसाए। गुजरात के सूरत में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तरों वाला अस्पताल महज 72 घंटे में ही तैयार कर दिया गया। सूरत से BJP विधायक हर्ष सिंह भी की अगुवाई में उनकी 300 लोगों की टीम ने प्रशासन की मदद से इस काम को अंजाम दिया और वहां कोरोना मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया। इसके लिए समारोह में इस्तेमाल होने वाले एक हॉल को चुना गया और 72 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसे अस्पताल में बदल दिया गया। ये काम इतना आसान नहीं रहा। कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया, जैसे गद्दा, चादर, तकिया, यहाँ तक कि चाय की केतली तक भी वहाँ नजर आई। एक और कुछ लोग इस जरूरतों को पूरा करने में लगे थे तो दूसरी तरफ हर बेड पर ऑक्सीजन लाइन, PPE किट और इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयाँ मुहैया कराई गयी। 72 घंटे में सूरत शहर के लिए ये 200 बेड की हॉस्पिटल सेवा में उपलब्ध करवाई है। युद्ध स्तर पर बने इस कोरोना अस्पताल के मरीजों के लिए 72 लोगों की मेडिकल टीम भी तैनात की गयी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच PM मोदी आज सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपाल से PM मोदी आज शाम 6 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण पर चर्चा होगी। इससे पहले कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए PM मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि PM ने कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन से इनकार किया था।
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्रवाई के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल से जुड़े 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया। यानी राहुल सिन्हा 48 घंटे तक किसी तरह के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकेंगे, जबकि चुनाव आयोग ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी नोटिस भेजा, जिसका जवाब उन्हें कल सुबह 10 बजे तक देना होगा। आयोग ने उनको ये नोटिस कूच बिहार के सीतलकुची में हुई फायरिंग की घटना और अर्धसैनिक बलों पर दिए बयान पर भेजी। तो वहीं बीजेपी नेता और ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को भी मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने चेतावनी दी। गुजरात सरकार 2 हफ्ते में 900 बेड का कोरोना अस्पताल बनाएगी। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी होने के बाद गुजरात सरकार DRDO की मदद से 2 हफ्ते में 900 बेड का अस्पताल बनाएगी। गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में यह अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल के 900 बेड में 150 ICU बेड होंगे, साथ ही हर बेड पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होगी। यूपी के फतेहपुर में भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की। इस बीच पुलिस ने कोरोना नियम न मानने वाले 1576 लोगों का चालान किया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए बाइक रैली निकालने पर BSP नेता पर कार्रवाई की। पुलिस ने BSP नेता अनवारुल हक समेत 11 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 और कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया। उनके विरुद्ध 11 नामजद तथा 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक पति पत्नी को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों की नकदी बरामद की है। दोनों पर एक लड़के को धमकाकर पैसे ऐंठने का आरोप है। आइसलैंड में 900 साल बाद फटा ज्वालामुखी लोगों के लिए पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है। बीते कुछ दिन तक शांत रहे उस ज्वालामुखी ने एक बार फिर से लावा उगलना शुरू कर दिया है, जिसकी खबर फैलते ही वहां फिर से सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई। रेकिनेस से सामने आई तस्वीरों में लोग ज्वालामुखी के बिल्कुल आसपास सैर सपाटा करते नजर आए। कोई उससे बहते लावे की तस्वीरें उतारता तो कोई उसके पास चहलकदमी करता। कुछ लोग तो पहाड़ से बह रहे लावे की नदी के बिल्कुल पास जाकर बैठ गए ताकि वो और करीब से उसे निहार सके। पहाड़ से लाल लावे के फव्वारे भी फूटते दिखे, लेकिन मजाल थी कि लोग उसे देखकर डरते बल्कि इसने उन्हें और रोमांच से भर दिया। खबर है कि इस ज्वालामुखी में 1 महीने पहले हुए धमाके के बाद से उसे देखने के लिए लगभग 30,000 सैलानी पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। यूपी और हरियाणा के कुछ इलाकों में आग फिर खेतों में खड़ी फसल पर कहर बनकर टूटी। इन इलाकों में गेहूं की कई सौ एकड़ पकी फसल लपटों की भेड़ चढ़ गई, जिसकी डराने वाली तस्वीरें बिहार के छपरा से सामने आई। वहां कई बीघे की गेहूं की फसल आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जिन खेतों में सुनहरी बालियां लहला रही थी, वहां मिट्टी और आग के ढेर के सिवाय कुछ नहीं बचा। कुछ यही हरियाणा के करनाल में भी हुआ। वहां आग ने कई एकड़ गेहूं की फसल को तबाह कर दिया। नुकसान होगा, सारी फसल होगी। हालांकि जानकारी मिलने पर वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन तेजी से फैल रही आग ने तब तक काफी नुकसान कर दिया। आग लगने से नुकसान काफी हुआ, हालांकि आकलन जारी है कि कितना जो एरिया है वो अफेक्टेड हुआ है। अपनी महीनों की मेहनत को इस तरह मिट्टी में मिलता देख किसान भी बेहद मायूस और परेशान नजर आए। उन्होंने सरकार से मदद और मुआवजे की भी अपील की। ज्ञान वापी केस में वाराणसी की निचली अदालत के आदेश का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और 8 अप्रैल के निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें ASI को ज्ञान वापी परिसर की जाँच करने के लिए कहा गया, जिसमें मस्जिद। इतना ही नहीं, याचिका में ये भी जिक्र है कि मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला आने तक ASI को जांच का आदेश देना ही सही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखा समुदाय को भरोसा दिया कि अगर NRC लागू हुआ तो गोरखा समुदाय पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चुनावी रैली में इस मुद्दे के बहाने गृह मंत्री ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूँ, NRC की अभी कोई बात ही नहीं है, मगर भविष्य में भी आएगी, कोई गोरखा का बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा। मुंबई के पास नालासोपारा में विनायका अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत पर उनके घर वालों ने खूब हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सभी मरीजों की जान अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से गई।
और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मरीजों के परिवार वालों की अस्पताल के डॉक्टरों से तीखी बहस होने लगी। फिर थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर लोगों के गुस्से को शांत करवाने की कोशिश करते रहे। नाला सुपारा ईस्ट का विनायका अस्पताल है ये, जहां पर लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि मरीजों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। जिस बात पर ये पूरा विवाद शुरू हुआ उसे अस्पताल के डॉक्टरों ने बेबुनियाद बताया और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को सिरे से खारिज कर दिया। सिलेंडर्स हैं मेरे पास, कहीं न कहीं कारण बिल माफ करना ये था। मामला बढ़ा तो पुलिस भी अस्पताल पहुँच गयी और हालात को संभालने में जुट गयी। 15 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। नवरात्र के पहले दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का ऐलान किया गया। इस साल 15 मई को सुबह श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। जितने भी वहां पर श्रद्धालु आएंगे उनको जो है सैनिटाइज करवा के ही अंदर मंदिर में दर्शन हेतु प्रवेश करवाएंगे। बीजेपी के राज्य सांसद और मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। उनके अलावा पार्टी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भी बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद सरोज पांडे को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। NIA के IG अनिल शुक्ल का तबादला कर दिया गया। हालांकि बताया गया कि ये रूटीन ट्रांसफर है। IG अनिल शुक्ल की अगुवाई में ही मुंबई संदिग्ध कार मामले की जाँच चल रही थी। राजस्थान में दूसरे राज्यों से बिना कोरोना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसकी एक तस्वीर जयपुर रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां कई लोग बिना RT-PCR रिपोर्ट के ही मिले, जबकि राज्य में एंट्री के लिए कोरोना रिपोर्ट जरूरी है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और सबसे बड़ी परेशानी यह हो रही है कि लोग RT-PCR रिपोर्ट की जगह फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास कोरोना रिपोर्ट नहीं मिली उनका रेलवे स्टेशन पर ही सैंपल लिया गया। इसके लिए वहां लंबी कतार लगी नजर आई। रिपोर्ट नहीं आने के पीछे लोगों ने अजीबोगरीब तर्क दिए। ये दिया था हमारे को, उतना कोरोना में है तो ये दिया था। पाकिस्तान के लाहौर में हिंसक प्रदर्शनों की वजह से फंसे भारतीय सिखों का जत्था वहां से पंजा साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना हो गया। ये सिख श्रद्धालु बैसाखी के मौके पर वहां पहुंचे थे, लेकिन लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के मुखिया साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा की वजह से ये वहीं फंस गए, जिन्हें बाद में किसी तरह वहां से निकाल कर करीब 350 किलोमीटर दूर पंजा साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना कर दिया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये सिख श्रद्धालु बसों में सवार होते नजर आए। हिंसा की वजह से ये सभी सिख श्रद्धालु लाहौर के डेरा साहिब गुरुद्वारे में ही फंस गए थे, क्योंकि कट्टरपंथी संगठन की करतूत की वजह से पूरा लाहौर सुलग उठा था। वहां के हंगामे को शांत करवाने के लिए लाहौर में पुलिस को काफी देर तक हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की गोलीबारी से वहां कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। तहरीके लब्बैक के हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों की भीड़ एक पुलिस वाले पर टूटती नजर आई। भीड़ के हत्थे चढ़े उस पुलिस वाले को लोगों ने जमकर पीटा। असल में यह हंगामा तहरीके लब्बैक के मुखिया साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। कुछ दिन पहले ही साद हुसैन रिजवी ने फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से वापस भेजने की मांग की थी। उसके बाद पुलिस ने रिजवी को गिरफ्तार किया, जिसके विरोध में लाहौर की सड़कों में जमकर आगजनी की गई। सड़क पर गुस्से में तोड़फोड़ करते राहुल द्रविड़ को टीवी पर देखकर हर कोई हैरान है। विराट कोहली समेत तमाम क्रिकेटर भी टीवी के एक विज्ञापन में उनका गुस्सा देखकर हैरान रह गए, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने दावा किया कि वो राहुल द्रविड़ को पहले भी गुस्से में देख चुके हैं, इसलिए उन्हें ये विज्ञापन देखकर हैरानी नहीं हुई। टीवी पर दिखाए जा रहे एक विज्ञापन में राहुल द्रविड़ सड़क पर खुद को इंदिरा नगर का गुंडा कहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि गुस्से में वो सड़क पर तोड़फोड़ भी करते दिखे। द्रविड़ की पहचान हमेशा शांत रहने वाले खिलाड़ी के तौर पर है, इसलिए विज्ञापन की चर्चा सोशल मीडिया पर भी शुरू हो गई। लेकिन जब चर्चा एक वेबसाइट के स्टूडियो में शुरू हुई तो वीरेंद्र सहवाग ने एक 15 साल पुराना राज खोल दिया। पाकिस्तान में थे हम लोग, उस समय MS धोनी नए नए आए थे, तो उन्होंने एक शॉट मारा, पॉइंट पर कैच आउट हो गया। उसके बाद बहुत गुस्सा किया MS धोनी को, दैट्स द वे यू प्ले, यू नो, यू शुड फिनिश द गेम। मतलब मैं भी हाफ गया था कि इतनी अंग्रेजी उन्होंने बड़ा 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 बोल दिया। आधी तो मेरी भी समझ में नहीं आई। जिस मैच की बात सहवाग ने की वो पेशावर में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच था। कप्तान राहुल द्रविड़ ने धोनी को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था। राहुल द्रविड़ ने अपने आप को नीचे भेजकर धोनी को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा था। धोनी ने 68 रन भी बनाए, लेकिन फिर एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए।
सहवाग ने दावा किया कि इसी शॉट के लिए राहुल द्रविड़ ने धोनी को फटकार लगाई थी। असल में धोनी के आउट होते ही मैच ने करवट ले ली थी। आखिर 15 ओवर में टीम इंडिया केवल 95 रन बना पाई और 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई थी। सहवाग के मुताबिक राहुल द्रविड़ की फटकार का धोनी पर तगड़ा असर हुआ था। एमएस धोनी उसके बाद जब नेक्स्ट मैच खेलने आए और वो शॉट नहीं मार रहे थे तो मैं उससे पूछा था कि एमएस क्या हो गया, कह रहा मैंने दोबारा गालियां नहीं खानी कप्तान से, चुपचाप मैच खत्म करके जाएंगे यहाँ पर। इससे अगले मैच में कप्तान द्रविड़ का गुस्सा दिखा भी था जब धोनी को चौथे नंबर की बजाय सातवें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों की साजिश नाकाम कर दी। उन्होंने जमीन में छुपा कर रखे गए एक बम को डिफ्यूज कर दिया। वहां एक इलाके में सड़क को बनाने का काम जारी है जिसे नक्सली रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वहां जमीन में आईडी बम को छुपा कर रखा था जिसे सर्चिंग के समय सुरक्षा बल के जवानों ने ढूंढ निकाला। जैसे ही जमीन के अंदर किसी चीज के छिपे होने का जवानों को शक हुआ, उन्होंने जमीन को खोदना शुरू किया। बताया गया कि उन्हें वहां से 10 किलो का बम मिला जिसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाने के संकेत दे दिए। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन को अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी दिया जा सकता है। हालांकि अभी भारत में 45 साल के ऊपर के लोगों को ही टीका दिया जा रहा है। देश में दवाओं के इस्तेमाल पर निगरानी रखने वाली एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और इसी के साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन बन गई जिसे भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। भारत सातवां देश है जिसने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है जिसकी दूसरी खुराक को 21 दिन बाद दिया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करने का ऐलान करते हुए देशवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की। रायसीना डायलॉग में पीएम ने कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया से एकजुट होने का आह्वान किया। ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक इन अवर ओन हम्बल वे Within our own limited resources, we in India, we have tried to protect our own 1.3 billion citizens from the pandemic. अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक मकान में हुए धमाके में दो लोग घायल हो गए और उस तीन मंजिला इमारत के परखच्चे हो गए। आरोप है कि वहां अवैध तरीके से ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था और तभी धमाका हुआ जिसके बाद वो तीन मंजिला इमारत तिनकों में तब्दील होकर जमीन पर ढह गई। सामने आई तस्वीरों में सिर्फ उसका ढांचा ही बचा नजर आया, बाकी छत और दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। बताया गया कि धमाका मकान के गैराज में हुआ और उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जिनकी इस हादसे में बाल बाल जान बच पाई।